एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का होने हो गया है, 7 हो गया ना, 7 बज गए हैं और हम नहा चुके हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं, जा रहे थे अपनी नेल पॉलिश क्लीन करने, क्योंकि काफी टाइम से लगा हुआ है। और अभी अनीता यहाँ पे सो रही है जैसे आप देख सकते हैं। और अंश बाबू उठ गए हैं, ये देखिए, और उठते ही रोने लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्यों रोने लगते हैं? मोबाइल। उधर देखो, पूजा देख रही है तुमको। पूजा देखेगी तुम्हें इसमें। तो गाइस बनी रहिएगा ब्लॉग में। ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे का हमारे विद्यालय में एडमिशन कराइए, बहुत अच्छा स्कीम है और बिल्कुल शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा एकदम फ्री है और मैदान खेलने वाला बच्चा के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। आप बस आइए, एडमिशन करा लीजिए। अरे आप कराइए, नहीं तो ऑफर चल रहा है, अभी एक महीने बाद कराएंगे, फीस ज्यादा लगेगी। अरे छोड़िए, आप नहीं समझ रहे, कोई परेशानी तो हमसे बताइए, हम हैं आपके लिए एकदम खड़े हैं। हम जब भी आप बोलिएगा, बिल्कुल एकदम आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं विद्यालय में। अरे छोड़िए, अरे भाई आप आइए ना एक बार तो बस हमसे ऑफर लीजिए। चलिए, हम कुमार हैं, पहले बच्चे करते हैं। अरे अरे अरे, मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन घूम नहीं जाना है हमको, सर दर्द हो रहा है तब भी। तो अब होने जा रहे हैं हम सभी रेडी और जा रहे हैं पार्क। तो जिस जिसको आना है तो आ भी सकते हैं। तो फैमिली, अनिका को सबसे पहले हम करेंगे रेडी। अनिका को ये वाली ड्रेस पहनाने जा रहे हैं और हम भी पहनेंगे फ्रॉक से। और वहाँ के सभी लोग रेडी होने जा रहे हैं। रेडी हो के फिर हम आपको दिखाएंगे अपना आउटफिट कैसा है, कैसा नहीं, कैसे लग रहे हैं हम लोग, है ना। आपको जानते हैं? प्रणाम सर। ठीक है सर, सब बढ़िया है, अभी घर ही पर हैं। अरे भैया आए हुए हैं लखनऊ से। तो यहाँ पे भाभी और हम सभी लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसी रिकॉर्डिंग सुनी जा रही थी जिसको सुन के ऐसे लग रहा था कि कोई रियल में बात कर रहा है। वो इतनी बदतमीजी से गालियाँ दे रहा था, तो मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन पीछे सभी को समझ में आ गया, तो वही सब लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे जीविका है, तो जीविका के भी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर। तो जीविका के चैनल का नाम है जीविका यूट्यूबर, और प्लीज़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, उनके भी शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स वगैरह देखिए। और भाभी जी के भी चैनल पे जाइए और विजिट करिए, उनके चैनल का नाम है संजू प्रजापति ब्लॉग। तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मम्मा ने ऊँट पे एक लाइन खींची है, फिर उधर ऊँट का वाला ना के कैसे लगाएंगी। ओ तो सही से लग रही है। और इधर मेरी मामी तैयार हो रही है। ये देखिए, मम्मा ने मेरी लिपस्टिक लगा देती है। इधर से जूम कर दो। पर्पल लगी है, कितनी अच्छी सी लगी है। ऐसी लिपस्टिक कौन लगा पाएंगे, मुझे भी नहीं पता। वाह कितनी अच्छी लगी है। थोड़ सा सिंपल से ऑर्डर को तक दिखाऊं मैं, ऊपर का कलर दिखो ऊंट का। ये भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ऑर्डर। अब इसे मम्मा से ही करो, वो सब एक तो अंदर मेकअप करो, सीधी सीधी आप दिखाने दो मुझे उसे ऊंट का। वो बना दो, दिखा देना तो अच्छी लग रही है। मेरी तैयार हो चुकी है, उधर मामी तैयार हो रही है, ये देखिए बैठी हुई मामी, उधर तैयार भी हो रही है। लाओ,
दिखाऊं मां मेकअप कर रही है उसका दिखाऊं वाओ क्या मेकअप मेरी मम्मा ने डार्क तो नहीं है ये निकाल देखो नहीं डार्क नहीं अरे अरे सबको दिखा तो मम्मी का मेकअप ना दिखा पाया ओ छोड़ दो वरना हाथ से छूट जाएगा फोन हाथ से वैसे छूट जाएगा नहीं वो गई थी तो गाइस ससुराल वाले मतलब बोल रहे हैं कि घूम रही हो दूसरे के घर पे जा के और बेटा मेरा नहीं रहा तो आज़ाद हो गई हो ऐसा मुझे बोला है कि पहले तो कहीं नहीं जाती थी और अब एकदम से आज़ाद हो जहाँ भी मन कर रहा है जा रही हो आ रही हो तो देखो मेरा काम है तो मैं जाऊँगी वैसे भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ पहली बार आप देख रहे होंगे कि मैं किसी यूट्यूबर के घर पे आई हूँ और वो भी भैया और ये भाभी थे तो मैं आ गई थी वरना मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती हूँ उनको इसमें भी दिक्कत हो रही है पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है उनको हम ना जीने दे रहे हैं ना ही मरने दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मतलब कैसे जीऊँ इन लोगों की बातें मैं नहीं सुनना चाहती हूँ लेकिन बीच में आ के टांग लड़ाना ज़रूरी है क्या यार मेरा गाइस जा रहे हैं पार्क और अभी कुछ लोग पीछे रह गए हैं और कुछ लोग ऑटो में हैं तो अभी हम जा रहे हैं आगे का ब्लॉक आपको नेक्स्ट ब्लॉक में दिखाएंगे क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ थक भी गई हूँ फैमिली आज मेरा वीडियो बिल्कुल भी एडिटिंग करने का मन नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ इसलिए मैंने आज बहुत छोटा सा ब्लॉग डाला है और प्लीज़ कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा बाय बाय सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे